हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आज फिर से आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाइए साइंस के 2022 का जो आपका पेपर होने वाला है उस एग्जाम के दृष्टि से। मैंने उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की लिस्ट में रखा है। आपको प्रकाश से पहले यूनिट जो प्रकाश है उस प्रकाश से आपको 15 क्वेश्चन लिस्ट में हमने बनाया है। प्यारे बच्चों, वो 15 क्वेश्चन आप अटेंड कर लेते हो, आपको 15 क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से आने लगते हैं प्यारे बच्चों, तो आपकी जो फिजिक्स है वो 99% क्लियर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, चलिए आज आपके टाइम को ना लेते हुए, आपके टाइम को नुकसान ना करते हुए प्यारे बच्चों अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो क्या क्लास आज की जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं लगाया गया है। 10 क्वेश्चन हमने लिखा है प्यारे बच्चों, और बाकी और 5 क्वेश्चन अभी आगे लिख लेंगे प्यारे बच्चों, देख लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताओगे डियर स्टूडेंट। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश जो होता है, आखिर पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है प्यारे बच्चों, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे देखते हैं आइए हम आपको समझाते हैं। हमने क्या कहा, आप एक टार्च ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, टार्च ले लीजिएगा, और इस टार्च से क्या हो गई, प्रकाश किरणें निकलने लगी। क्या हो गई प्यारे बच्चों, इस टार्च से क्या हो गई, प्रकाश किरणें निकलने लगी, और ये कोई वस्तु हो गई, ये कोई वस्तु हो गई। जब इस वस्तु पे ये प्रकाश किरणें पड़ती है, प्रकाश किरणें क्या होती है, पड़ती है, और पड़ने के बाद जब इससे टकराती हैं, तो टकराने के बाद ये हमारे आंखों पे आके हमारे आंखों को क्या करती हैं, संवेदित करती हैं, ये हमारे आंखों पर पड़ती हैं, जिस कारण ये वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, तो हमको प्रकाश नहीं जानना है, हमको क्या जानना है प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप गेंद खेलते होंगे, बॉल को जो है जब दीवार से टकराते हैं, जब बॉल को दीवार से फेंकते हैं, तो जिस प्रकार गेंद को फेंके रहते हैं उसी प्रकार गेंद दीवार से टकरा के लौट कर आती है। आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट, आपने क्या करते हैं, जब गेंद को दीवार पे फेंकते हैं, दीवार से टकराने के बाद गेंद वापस लौट के आती है, तो वो गेंद का परावर्तन कहलाता है। तो आपको प्रकाश का परावर्तन समझना है। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रकाश का परावर्तन हम लोग समझते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, ये कोई एक दर्पण ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, दर्पण, क्या ले लेंगे, दर्पण, ऐसे, ठीक ऐसे दर्पण ले लेंगे, एक कोई चिकना तल ले लेंगे, एक कोई पॉलिशदार वस्त्र ले लेंगे। प्रश्नोत्तर एक है तो आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या एक, प्रश्नोत्तर संख्या एक, ठीक। ये ऐसे लिखने के बाद प्यारे बच्चों, आप सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं डियर स्टूडेंट। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना, यह फिनोमिनॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है, किसी दर्पण पे गिरती है, गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, लौट कर जाने वाली किरणें क्या कहलाती हैं, परावर्तित किरणें कहलाती हैं। ये सब आपको नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, केवल आपको पूछा है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, किसी दर्पण से टकराती है या दर्पण पर गिरती है, तो गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट जाए यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है जरा सा भी इग्नोर ना कीजिएगा प्यारे बच्चों। परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। आइए प्यारे बच्चों इसी के साथ साथ हम लोग परावर्तन के नियम की भी व्याख्या कर लेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या क्या हो जाएगा, 2। डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान समझिएगा, अभी हमने क्या कहा था, आने वाली जो किरण होती है उस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। दर्पण की ओर आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, लौटकर जाने वाली किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। लौटकर जाने वाली किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण होता है। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, आने वाली किरण आपतित किरण, लौटकर जाने वाली किरणें कौन सी किरणें कहलाती हैं, परावर्तित किरण कहलाती हैं। और इन दोनों किरणों के बीच खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। इन दोनों किरणों के बीच खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया, दोनों किरणों के बीच खींचा गया एक सीधी रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, उसका जवाब क्या देना है, परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। परावर्तन के दो नियम है प्यारे बच्चों, परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। तो परावर्तन के दो नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार आपका दर्पण होगा, ये सभी जो तीनों किरणें हैं वो एक ही तरफ है, हाथ के एक ही तरफ है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक ही तल में होते हैं प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे और ये तीनों जहां मिलती हैं उस बिंदु का नाम क्या हो जाता है, आपतन बिंदु। क्या नाम हो जाता है, आपतन बिंदु। तो प्यारे बच्चों पहला नियम क्या लिखेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये लिखेंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया डियर स्टूडेंट। दूसरा नियम क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा नियम क्या है, आप देखिएगा इन दोनों के बीच कोण बना है, इसे आई कहते हैं और इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, इसे आई कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो दूसरा नियम क्या है, ये आई आर के बराबर होता है, ये आई सदैव आर के क्या होता है, बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, दूसरा नियम क्या लिखेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता
है, ये है डियर स्टूडेंट। इस प्रकार आप दूसरा नियम लिख सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा कोण आर। तो इस प्रकार आप पहले और दूसरे प्रश्न को आप हल कर सकते हो, ये आप पहले और दूसरे प्रश्न का हल है प्यारे बच्चों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अवतल दर्पण के चार उपयोग लिखिए डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है डियर स्टूडेंट। अवतल दर्पण वो होता है जो कि किधर की तरफ कले किया जाता है, बाहर की तरफ पेंट किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। पर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के चार उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण के चार उपयोग लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका 3 है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 3 है प्यारे बच्चों। और यहाँ क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के चार उपयोग लिखना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला अवतल दर्पण, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग जो है मनुष्य लोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। अब कहोगे कैसे दाढ़ी, अवतल दर्पण से दाढ़ी नहीं बनता डियर स्टूडेंट। जिस कांच में जो है जो कांच होता है उस वो कांच किस दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बड़ी हो, जो जिस अवतल दर्पण की फोकस दूरी काफ़ी बड़ी होती है उसको, उस दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, चिकित्सक क्षेत्रों में किया जाता है। अब कहोगे चिकित्सक क्षेत्रों में अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा गाइस, आँख हो गए, कान हो गए, ये आँख, ये कान, ये जो नाक है प्यारे बच्चों, इन सब के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, अगला उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, सर्च लाइट में किया जाता है। और अगला उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, जो कुकर आते हैं प्यारे बच्चों, जो सौर कुकर होते हैं, जो सूर्य के ऊर्जा से चलने वाले जो कुकर होते हैं, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो सोलर वाले जो भट्टी होते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। और कहाँ किया जाता है, बाइक हो गए, जो आपके बाइक हैं, जो वाहन हैं, उनके कांचों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग कहाँ किया जाता है, इस दर्पण का उपयोग ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग लाइट, सर्च लाइट में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ये है डियर स्टूडेंट। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा क्या उपयोग करते हैं, इस दर्पण का उपयोग वाहनों के कांचों में किया जाता है। अगला उपयोग कहाँ होता है प्यारे बच्चों, अगला उपयोग चिकित्सक क्षेत्र में होता है। चिकित्सक क्षेत्र में किया जाता है। अगला उपयोग कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था चिकित्सक यानी डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला उपयोग कहाँ करते होंगे प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया था प्यारे बच्चों इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, दाढ़ी वाहन चिकित्सक से, हाँ कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकरों में किया जाता है।
इस प्रकार प्यारे बच्चों आपसे चार ही उपयोग पूछा हमने, आपको कई उपयोग बता दिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है डियर स्टूडेंट? लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है प्यारे बच्चों। और कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, सेविंग करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस दर्पण का उपयोग वाहन के कांच रूप में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? डॉक्टर लोग जो है आँख और कान के अंदर देखने के लिए प्यारे बच्चों इस दर्पण का उपयोग करते हैं। कैसे? बड़ा सा इमेज प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों, कान के अंदर जो पार्ट है, आँख के अंदर जो पार्ट है उनको बड़ा सा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो आपका चौथा नंबर सवाल है प्यारे बच्चों वो क्या है, देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन पे, इस जो ये क्वेश्चन है, जो इसका संबंध आएगा, इस संबंध पर काफी न्यूमेरिकल एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप जरूर अभ्यास कीजिएगा। हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में इस फार्मूले पर कई सवाल अभ्यास करा के रखे हैं प्यारे बच्चों। आप अगर वीडियो नहीं देखे होंगे जाके जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो ये जो गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो एफ होती है। क्या होती है? एफ बराबर आर बटे दो। ये आपको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। तो ये जो हमने इसका सिद्ध कराना है, ये हमने इससे पिछले वाले जो लेक्चर हैं, वो जो क्लास पढ़ाया जा रहा था प्यारे बच्चों, उसके दौरान हमने इसको अच्छे तरीके से, एकदम शॉर्टकट तरीके से सिद्ध करा के रखा है प्यारे बच्चों। आप जरूर जाइएगा उस लेक्चर को देखिएगा, अगर देखे होंगे फिर से देखिएगा प्यारे बच्चों, जरूर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हमारे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से जाके देख सकते हैं, वरना नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो प्यारे बच्चों। और देखना मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको ना आ जाए तब तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। आइए चलिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा। अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों पर रखी, अवतल दर्पण द्वारा निम्न स्थितियों पर रखी वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है प्यारे बच्चों। तो कहाँ कहाँ प्यारे बच्चों? सबसे पहली बात करा, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का आपको आकार और प्रकृति और स्थिति बताने हैं। कौन सी स्थिति पे? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो, उनका आपको स्थिति बताना है। और वो बता रहे हैं जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है भैया? 5। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब पहला स्थिति यहां लिखेंगे, पहला क्या है प्यारे बच्चों? जब वस्तु, देखिए यहां रखा है ना, स्थिति पर रखी वस्तु का, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो यहां लिखेंगे जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव व फोकस के बीच हो, ध्रुव व फोकस के बीच हो। ये प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, कहाँ स्थित है? ध्रुव और फोकस के। तो सबसे पहला काम क्या है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण, जिसको हम लोग बाहर की तरफ पेंट कर देते हैं, तो वो कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। एक लंबी सी रेखा खींच लेते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हो? मुख्य अक्ष कहते हो। वह रेखा जिस पे ध्रुव होता है, जिसे हम लोग पी से व्यक्त करते हैं, जिस पे मुख्य फोकस होता है, जिसे हम एफ से व्यक्त करते हैं, और जिस पे वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम लोग सी से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिए, जब वस्तु ध्रुव, ध्रुव कौन है? पी, और फोकस के बीच, यानी पी और एफ के बीच कोई वस्तु हो, तो आप मान लेते हो प्यारे बच्चों ये कोई वस्तु है जो कि पी और एफ के बीच में है। इसका नाम ए और क्या हो गए? बी हो गए प्यारे बच्चों, ए और बी हो गए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला नियम लगाइएगा, पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम। फिर दूसरा नियम आप क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली
प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से गई रहती हैं, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो हम प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि जो हमारा जो किरणें हैं, वो किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों किरणें आगे जाके नहीं मिलेगी। पर इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों कि इन किरणों को अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ये किरणें जरूर एक दूसरे को जाके मिल जाएंगी, और जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्यारे बच्चों तो देखिए प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश, और क्या बना है, बी डैश बना है। प्यारे बच्चों तो देखिए वस्तु इतना छोटा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो एक बात तो पता चल गया, प्रतिबिंब की जो इस आकार पूछ रहा था वो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। तो नोट करते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब प्यारे बच्चों देखो दर्पण के पीछे बना है, तो दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। तो जो उसका पूछा प्रकृति, तो प्रकृति आभासी होगा, क्या होगा, आभासी। प्रकृति क्या होगा प्यारे बच्चों, आभासी होगा। ठीक, तीसरा, तीसरा इसमें क्या पूछा है प्यारे बच्चों, स्थिति, स्थिति कहां बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। स्थिति क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कौन से नंबर के, 5 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन इसी भी कह रहा, वक्रता केंद्र पर हो, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो डियर स्टूडेंट इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर हम लोग दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो चलिए इसको हम मूव कर लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहां हो प्यारे बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब वस्तु कहां पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाइएगा प्यारे बच्चों, फिर इसको बाहर की तरफ पेंड कर देंगे तो ये आपका अवतल हो जाएगा। फिर ये मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गई, ध्रुव हो गई, और ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या हो गए, आपके वक्रता केंद्र हो गए। डियर स्टूडेंट कहाँ कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, यहीं पर हो। तो ए और क्या हो गए, बी। डियर स्टूडेंट सबसे पहला नियम, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो सबसे पहला नियम लगाएंगे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आप पहला नियम लगा दिया डियर स्टूडेंट। फिर दूसरा नियम आप क्या लगाओगे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से क्या होती हैं, टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए हमने क्या बताया पहला आपको, कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। तो ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब जो है, जो बी का सिरा ऊपर था, इस बार बी सिरा नीचे हो गया और ए सिरा क्या हो गया, ऊपर हो गया प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो आकार पूछा है, आकार में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के समान बनेगा। तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे, आकार, आकार पूछा है ना, तो आकार में लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा, वस्तु के समान बनेगा। दूसरा क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आकार के बाद क्या पूछा है प्यारे बच्चों, प्रकृति पूछा है, क्या पूछा है, प्रकृति,
तो प्रकृत क्या होगा प्यारे बच्चों? दर्पण के आगे बना है तो दर्पण के आगे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो प्रकृत क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक। और तीसरा क्या पूछा है प्यारे बच्चों? स्थिति। कहाँ स्थिति पूछा है प्यारे बच्चों? तो स्थिति देखिए डियर स्टूडेंट, कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर, यानी जहाँ वस्तु रखे हैं वहीं पर बना है, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ये हो गए प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपके जो दूसरा पार्ट था वो भी समाप्त हो जाता है। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। तीसरा क्या है? जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर हो। कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर हो। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, जिसको बाहर की तरफ कलई कर देंगे तभी तो ये अवतल दर्पण होगा। फिर उसके बाद एक मुख्य अक्ष बना लेंगे, ये ध्रुव हो गए प्यारे बच्चों, ये मुख्य फोकस हो गया, ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया प्यारे बच्चों। कहाँ पर कह रहा है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहाँ पर हो प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस ये है, तो ये वस्तु आप यहाँ रख दीजिएगा प्यारे बच्चों। रख दिए, नाम दीजिए ए और क्या बी। तो पहला नियम लगाइए प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं? जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम लगाइएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं? वापस लौट आती हैं। आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि आपको लग रहा होगा कि आगे जाके कहीं एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो कहाँ मिलेंगी वो कोई दूरी हम लोगों को पता नहीं है। अगर इमेजिन करो कि यहाँ पर भी मिली होती तो आपका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनता, वस्तु इतना छोटा है। यानी पहला पूछा है आकार। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? आकार पूछा है। तो आकार क्या होगा? वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, वस्तु से काफ़ी क्या बनेगा? बड़ा। दूसरा क्या पूछा है? प्रकृति। तो दर्पण के आगे बना है तो दर्पण के आगे बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और क्या पूछा है प्यारे बच्चों? स्थिति पूछा है। क्या पूछा है? स्थिति। तो आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये स्थिति क्या है? अनंत पर। पता नहीं कहाँ बनेगा, स्थिति क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार आपका जो पांचवा नंबर क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है प्यारे बच्चों? 10 सेमी है। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो डियर स्टूडेंट, ये जो सवाल है, ये सवाल है वो दर्पण के सूत्र से लगने वाला है। और दर्पण के सूत्र पे आधारित जितने सवाल हैं प्यारे बच्चों, जरूर अभ्यास कीजिएगा। हम सारे क्वेश्चन को नहीं ले सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन का अभ्यास करा रहे हैं। पर ज़रूर एक बार आप बुक से इन कुछ सवालों का अभ्यास कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो आप देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी होती है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -10 सेमी, चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। दर्पण से 20 सेंटीमीटर रखी दूरी पर, यानी दूरी यानी u बराबर कितना है? -20 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा जो वस्तु की दूरी होती है वो ऋणात्मक ही होती है, कभी वो प्लस होगी ही नहीं प्यारे बच्चों। और आगे क्या करा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? v बराबर क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों। तो दर्पण के सूत्र से
दर्पण के सूत्र से। अगर डियर स्टूडेंट ये आपको बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, माइनस कहाँ से लिया गया, प्लस कहाँ से लिया गया, तो ये सब प्यारे बच्चों हमने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान, अपने क्लास के दौरान चिन्ह परिपाटी बताया है प्यारे बच्चों। आप वहाँ जाके क्लास देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा प्लस माइनस कैसे आ रहे हैं डियर स्टूडेंट। आइए दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है, वन अपान वी प्लस वन अपान यू बराबर वन अपान क्या है, एफ है प्यारे बच्चों। तो वन अपान वी प्लस वन अपान यू बराबर वन अपान एफ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको वी ज्ञात करना है तो यू को उधर कर दीजिएगा, तो वन अपान वी बराबर वन अपान एफ है। जब ये वन अपान यू प्लस वाला जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान यू हो जाएगा। वन अपान एफ, एफ का मान कितना है, माइनस दस है, और ये माइनस वन अपान यू, यू का मान माइनस बीस है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, एक बटे माइनस दस प्लस एक बटे बीस। दस और बीस का लसप लोगे प्यारे बच्चों तो बीस आएंगे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, बीस आएगा। तो दस दूनी बीस, दस दूनी बीस प्यारे बच्चों। तो यहाँ दो बार गया तो दो का गुणा एक से तो माइनस दो, और बीस एक के बीस एक बार हो गए प्यारे बच्चों। तो माइनस दो में से एक घटाओगे तो माइनस एक बटे बीस आएगा, और यहाँ एक बटे वी है ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बीस सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्यारे बच्चों। कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो जाते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन बोर्ड में कई कई बार पूछे गए हैं वही सब प्रश्न प्यारे बच्चों इसमें लिए गए हैं। तो किसी भी एक प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है डियर स्टूडेंट, आप ज़रूर इसको मन लगा के पढ़िएगा प्यारे बच्चों। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो ज़रूर एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो देखते देखते ये भूल गए होंगे कि वीडियो को लाइक करना, अगर भूल गए होंगे तो वीडियो को अब भी लाइक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आपके एक लाइक से हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलता है प्यारे बच्चों, और आगे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिलती है डियर स्टूडेंट। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आपसे सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, या नियम लिखिए या स्नेल के नियम को लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए और स्नेल के नियम को लिखिए। तो प्यारे बच्चों आइए हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक ले लेते हैं कोई माध्यम, एक क्या ले लेते हैं, कोई माध्यम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ये माध्यम एक हो गया, ये माध्यम एक हो गया, ये माध्यम दो हो गए प्यारे बच्चों। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या होता है, प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने के पश्चात आपको लगता है कि ये ऐसे जाना चाहिए था, प्रवेश करने के पश्चात ये क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। तो प्रवेश करने के पश्चात यह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। और इसी पे एक लंब खींच दीजिएगा प्यारे बच्चों, जिसे आप क्या कहोगे, अभिलंब कहोगे। क्या कहोगे प्यारे बच्चों, अभिलंब कहोगे, इसे अभिलंब कहोगे। आने वाली किरण का नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपतित किरण नाम हो जाएगा। और ये किरण जिसका परावर्तन न हुआ हो वो क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण
एक माध्यम से चलकर, माध्यम एक से चलकर माध्यम दो में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जाना ऐसे चाहिए था पर ये इस मार्ग से जाने लगी। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पर आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है प्यारे बच्चों, तो इसके भी दो नियम है, इसके भी दो नियम है। क्या है प्यारे बच्चों? पहला नियम लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का, जो प्रथम नियम है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्रथम नियम को समझते हैं। देखिए आपतित किरण क्या है प्यारे बच्चों? आपतित किरण क्या है? आपतित किरण। और क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये आपतन है ना प्यारे बच्चों? क्या है? आपतन बिंदु है। तो ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला नियम क्या है लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये है आपका पहला नियम प्यारे बच्चों। दूसरा नियम, दूसरा नियम जो लिखने चल रहे हो वही है आपका स्नेल का नियम, उसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ा था आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है, ठीक। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, आर कहलाता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम भी होता है प्यारे बच्चों। क्या है दूसरा नियम? आपतन कोण, आपतन कोण आई की ज्या, ज्या मतलब प्यारे बच्चों साइन, तथा तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, कोण आर की ज्या का अनुपात, अनुपात सदैव नियतांक होता है, सदैव नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक या एन। क्या है प्यारे बच्चों? जहां एन क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की जो व्याख्या है वो आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो गए प्यारे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आठवां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस द्वारा, क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस द्वारा वस्तु, वस्तु के प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा समझाना है प्यारे बच्चों। यानी एक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसको आपको किरण आरेख द्वारा क्या करना है? समझाना है। वो भी जब वस्तु कब हो, कहाँ पर हो? अनंत पर हो। और कहाँ पर? फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक उत्तल लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस? वह लेंस जो किनारे पर क्या हो, पतला हो, और बीच में क्या हो, मोटा हो, वो क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारे पर पतला बीच में मोटा हो वो उत्तल लेंस कहलाता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद
ये हम लोग एक मुख्यक्ष बना लेते हैं प्यारे बच्चों। यहीं पर कहीं क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र ओ मान लो या सी, जो भी मानना चाहो प्यारे बच्चों। ये हो गए प्यारे बच्चों। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, प्रकाशिक केंद्र ओ हमने माना है, यहीं पर कहीं इसका क्या होता है, प्रथम फोकस एफ वन होता है और इधर कहीं पर होता है द्वितीय फोकस एफ टू होता है। डियर स्टूडेंट, अब आप ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो सबसे पहली स्थिति, वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु कहां पर हो प्यारे बच्चों, अनंत पर। तो ध्यान मान लीजिएगा, ये वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। ये वस्तु कहां पर है, अनंत पर है प्यारे बच्चों। तो यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, वस्तु को हमने कहां पर मान लिया, अनंत पर मान लिया। दो नियम लगाएंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहला नियम क्या लगाएंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा, हमने आपसे क्या बताया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं प्यारे बच्चों। फिर दूसरा नियम हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली प्रकाशिक केंद्र, थोड़ा सा आप लोग स्केल का उपयोग करोगे तो जरूर जो है अच्छे से बना पाएंगे आप लोग। प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण जब लेंस से आप लेंस में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होती बल्कि सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, कहाँ निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ये हो गए प्यारे बच्चों एफ टू हो गए। तो देखिए, जहाँ ये एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, हमने आपसे क्या कहा प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जब वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर था, तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें चली, एक एफ वन से होकर गुजरी, एक ओ से होकर गुजरी। ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। एफ वन क्या है, आपका मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस है। तो जो एफ वन से जाएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और जो प्रकाशिक केंद्र ओ से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। तो ये दोनों जहाँ काटी वहीं वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए, प्रतिबिंब का सिर ऊपर था, इधर इस बार नीचे हो गया, तो ये नीचे हो गए और ये क्या हो गए, ऊपर हो गए प्यारे बच्चे। तो आप देख सकते होंगे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है। तो सबसे पहला लिख देंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो गया डियर स्टूडेंट। अब उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा, तीसरा क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक डियर स्टूडेंट। और क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कहां पर बनेगा, द्वितीय फोकस एफ टू पर बनेगा, द्वितीय फोकस एफ टू पर बनेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये जो पहला क्वेश्चन था आठवें का वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा कह रहा है फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी यही कहीं बीच में रखा जाएगा डियर स्टूडेंट इस बार। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चों। ये आप, तब तक हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्या कर रहा है, जब वस्तु फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब वस्तु फोकस व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। आइए डी स्टूडेंट इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। तो ये देखिएगा, एक उत्तल लेंस बन गया। और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, प्रकाशिक केंद्र बनाएंगे। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया प्यारे बच्चों। फिर क्या करेंगे, एफ वन बनाएंगे प्रथम मुख्य फोकस, फिर क्या बनाएंगे, एफ टू बनाएंगे द्वितीय मुख्य फोकस प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों कहाँ रखा है, वस्तु फोकस व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया है।
तो यहाँ पर वस्तु हम लोग रख देंगे प्यारे बच्चों। ये कोई वस्तु रख दिए, वस्तु क्या है प्यारे बच्चों, ए और क्या है बी है। तो पहला नियम क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें। चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला नियम क्या लगाओगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, लेंस के द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या लगाओगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाएंगी, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगी। तो देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये दोनों किरणें आगे कहीं मिलने वाली नहीं है, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, आप इनको पीछे की तरफ क्या कर दोगे, बढ़ाओगे प्यारे बच्चों। तो पीछे की तरफ जब बढ़ाओगे तो ये जाके कहीं पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिच्छेद कर देंगे। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे प्यारे बच्चों, वहीं वस्तु का आकार बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, वहीं पर वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप प्रतिबिंब बना दीजिएगा प्यारे बच्चों। और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, आप देखिएगा, प्रतिबिंब ए डैश और क्या है बी डैश। तो ध्यान से देखिए, वस्तु इतना छोटा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, और वस्तु के पीछे बना है, वस्तु के क्या बना है, पीछे बना है प्यारे बच्चों। और कहाँ बना है, प्रथम फोकस और अनंत के बीच में। अब पता नहीं इधर कहाँ बनेगा, तो प्रथम फोकस और अनंत के बीच बना है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आभासी बनेगा। फिर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आभासी बनेगा और साथ में क्या बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, प्रथम फोकस व अनंत के बीच बनेगा, F1 वह अनंत के बीच बनेगा। और क्या बनेगा प्यारे बच्चों, और सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सीधा बनेगा। तो इस प्रकार आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ सकते हैं आप, फोकस और अनंत के बीच आपने रखा, फिर आपने एक नियम लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो सीधे निकल जाएंगी। तो ये दोनों किरणें इधर नहीं मिली तो पीछे की तरफ बढ़ाए, तो पीछे की तरफ जहां काटे वहां पर प्रतिबिंब बन गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाते हैं। 9वां नंबर क्या कर रहा है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग मूव कर लेते हैं, कहाँ गया, चलिए इसको हम लोग मूव करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लेंस की क्षमता जान लेते हैं। तो जो लेंस की क्षमता होती है वो लेंस के जो लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को कितना सिकोड़ दे रहा है, कितना फैला दे रहा है। लेंस के द्वारा प्रकाश को सिकोड़ना, फैलाने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। कि कितना सिकोड़ देगा, कितना फैला लेगा, वो उसकी क्षमता कहलाती है। और लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग पी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, पी से। तो लेंस की क्षमता P बराबर आपने क्या पढ़ा, 1/F। तो प्यारे बच्चों ये P बराबर 1/F। तो देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, किसी लेंस की क्षमता -5, तो -5 है बराबर 1/F। तो फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी प्यारे बच्चों ज्ञात करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5F = 1। F का मान चाहिए तो ये 5 इधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, 1/ क्या आ जाएगा, 5, वो भी माइनस में। तो भैया प्यारे बच्चों जब इसको हल करोगे तो
एफ बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 0.2 मीटर। तो फोकस दूरी क्या आ गई, ऋणात्मक आई है। तो आप जानते हो कि जब फोकस दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करा है, मानव नेत्र की सचित्र वर्णन कीजिए प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे 7 नंबर का पूछेगा डियर स्टूडेंट, और 7 नंबर पूरे टोटली लेके जाए देके जाएगा प्यारे बच्चों। आप एकदम कह लीजिए, रेटिंग देना चाहेंगे तो 5 में 5 नहीं 100 पूरा स्टार दे दीजिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। और इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको हमने पूरे डिटेल से जो है पढ़ा के रखा है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जवाब लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर एक बार अभ्यास करके जाइएगा, और आपको 99% आशा है, उम्मीद के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों कि जरूर आपके फिजिक्स के पेपर आसान आएंगे और आप सारे क्वेश्चन हल करके आओगे डियर स्टूडेंट। ठीक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं प्यारे बच्चों। आप 4 जिस तारीख को आपका एग्जाम है, अच्छे से पेपर दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते प्यारे बच्चों, लाइक कीजिएगा। और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।